नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में धोती के अंतर्गत अंतर धोती और दंत धोती के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हृदय धोती और मूल शोधन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, हृदय धोती और मूल शोधन के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इस तरह की शुद्धि क्रियाएं क्यों जरूरी है। आम और रोग के बीच में एक संबंध है, एक कोरिलेशन है। हम रोज खाना खाते हैं और यह भोजन पेट और आंतों में जाता है पचने के लिए और बाद में खून में अब्जॉर्ब होने के लिए। आंतों में जो अपचित भोजन बच जाता है उसे आव कहते हैं। जैसे जैसे अपचा हुआ अवशेष शरीर की नाड़ियों में जमा होता जाता है, यह सड़ता जाता है, बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। यह बलगम जैसा अवशेष सूजन और गैस पैदा करता है। यह जहरीली गैस खून, मांसपेशियों और हड्डियों में प्रवेश करती हैं और इन सिस्टम को खराब कर देती हैं। इस तरह ये चिपचिपा आव जैसा अवशेष सभी अंगों और कोशिकाओं के कामकाज को नुकसान पहुंचाता है। षटकर्म में इन धोतियों के माध्यम से आव को पाचन तंत्र से साफ करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन एक बार जब यह शरीर में गहरे में फैल जाता है तो इसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ही आव शरीर में जमा होता है, यह सेलुलर लेवल पर इम्यूनिटी को कमजोर करता है। इस तरह से आव ऑटो इम्यून डिजीज या कैंसर जैसी अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे मधुमेह, अस्थमा, हृदय, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ऊर्जा की कमी, अनिद्रा, अवसाद। चलिए अब हृदय धोती के बारे में बात करते हैं। हृदय का अर्थ है हृदय, धोती का अर्थ है स्वच्छता। आप देख सकते हैं कि हृदय क्षेत्र में लंग्स और ईसोफेगस स्टोमक आते हैं, तो इसके अंतर्गत भी वही धोती आएंगी जो ईसोफेगस और स्टोमक को ही प्रभावित कर सके। लंग्स में डायरेक्टली कोई भी धोती नहीं की जा सकती, पर हाँ, इन धोती क्रियाओं से हमारे फेफड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये है दंड धोती, वस्त्र धोती और वमन धोती जो हृदय धोती के अंतर्गत आती हैं। आइए दंड धोती के बारे में बात करते हैं। दंड का अर्थ है छड़ी। यहाँ छड़ी केले के पेड़ या हल्दी के नरम हिस्से की होती है, जिसे मुंह के जरिए गले में डाला जाता है और फिर वापस निकाला जाता है। लेकिन आजकल हम कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हम गर्म नमक का पानी पीते हैं और फिर पेट में ईसोफेगस के माध्यम से कैथेटर डाला जाता है। साइफन क्रिया के माध्यम से रेचक क्रिया द्वारा पेट में पड़े पित्त और बलगम को कैथेटर के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इन सारी षटकर्म क्रियाओं को क्वालिफाइड योगा एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। और उक्त रक्तचाप, हृदय या हर्निया के रोगी इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। अब हम वमन धोती पर बात करते हैं। आमतौर पर आजकल वमन धोती मूल रूप से खाली पेट गर्म पानी गले के स्तर तक पीकर उल्टी करना होता है, लेकिन याद रखें गेरन संहिता में खाने के बाद ही पीने और उल्टी करने का उल्लेख है, अन्यथा इसे कुंजल या गज करनी कहते हैं। इस अभ्यास से कफ और पित्त के विकार जैसे अपच, एसिडिटी और हार्टबर्न ठीक हो जाते हैं। यह क्रिया भी क्वालिफाइड योगा एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। अगली है वस्त्र धोती। वस्त्र का अर्थ है कपड़ा। इस टेक्निक में 15 फीट लंबे और 3 इंच के सूती कपड़े को धीरे धीरे मुंह से अंदर निगल लिया जाता है, थोड़ी देर रखा जाता है और फिर पेट से बाहर निकाला जाता है। याद रखें यह अभ्यास एक दिन में सिद्ध नहीं होता है। पूरे 15 फीट लंबी निगलने में कई दिन लगते हैं, तो इसे क्वालिफाइड योगा एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में सीखा जाना चाहिए। मुझे याद है कि स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने एक घटना का वर्णन किया था जिसमें एक योग अभ्यासी को वस्त्र धोती के दौरान बहुत परेशानी हुई थी जब वह पेट से कपड़ा नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उस समय उसके ईसोफेगल
स्फिंक्टर्स वाल्व बंद हो गए थे जो अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए यह धोती वात पित्त और कफ के संतुलन में मदद करती है, अन्न प्रणाली और पेट के अंदर की दीवारों को साफ करती है और इस प्रकार पुरानी गैस्ट्राइटिस, प्लीह विकार और स्किन डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मदद करती है। अब हम धोती के अंतिम श्रेणी यानी कि मूल शोधन के बारे में बात करेंगे। मूल का अर्थ है मलाशय, रेक्टम, और शोधन का अर्थ है सफाई या शुद्धि। यह गणेश क्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं है और हट नतनावली में इसे चक्रीक्रमा कहा जाता है। इसमें उकड़ू बैठकर हल्दी की जड़ या मध्यमा उंगली से मलाशय में और गुदा को साफ किया जाता है। इसके बाद में अपनी अंगुली को निकालकर अच्छी तरह से धोया जाता है और क्रिया के अंत में गुदा क्षेत्र को ठंडे पानी से भी धोया जाता है। जैसे ही आप लंबे काल के अभ्यास के बाद इससे सहज हो जाते हैं तब यह क्रिया अश्वनी मुद्रा के साथ की जाती है। जैसा कि अभी चर्चा की गई है कि शरीर में वेश पदार्थों का एक्यूमुलेशन सभी रोगों का मूल कारण है, इसलिए यह धोती शरीर से अपशिष्ट या विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करती है और इसलिए अपान वायु बाहर निकल जाती है जिससे शरीर में चमक और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। मूल शोधन के नियमित अभ्यास से गुदा और मलाशय क्षेत्र में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है जिससे नर्वस सिस्टम का फंक्शन इंप्रूव होता है। मलाशय की मांसपेशियां मजबूत होती है, मलाशय में जमा कठोर पदार्थ को निकालना आसान होता है, इससे आपका शौच भी दर्द रहित और तनाव मुक्त हो जाता है। एहतियात के तौर पर हम नखूनों को ट्रिम करें और वो बिना नेल पॉलिश के होने चाहिए जब हम मूल शोधन क्रिया का अभ्यास करें। तो दोस्तों यह सब धोती के बारे में है जो हमने अब तक सीखा है। अगले वीडियो में हम शेष 5 षटकर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। यदि आपको यह वीडियो लाभदायक लगी तो इसे लाइक करें और अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।